शो में आपको नया देखने को ये मिलेगा कि ये जो एक यूजुअल थॉट प्रोसेस होती है कि ज़िंदगी कैसे जाएगी लोगों की, वो उससे बिल्कुल हटके बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में है। यूजुअली देखा जाए तो लोगों को प्यार होता है, फिर कमिट करते हैं एक दूसरे को, फैमिली से मिलते हैं, शादी करते हैं, फिर बच्चा होता है। यहाँ पे पूरा उल्टा हुआ है कि पहले बच्चा हुआ है, फिर शायद फैमिली से मिलेंगे, शायद शादी होगी, शायद फिर प्यार होगा, और फिर शायद मतलब कमिटमेंट होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से, एक रिवर्स में देख रहे हैं। सो दैट्स वन थिंग वेरी डिफरेंट। कैरेक्टर्स बहुत ही स्टार्क अलग हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इसकी झलक उस कैरेक्टर में भी दिख रही है। हर कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है। प्रणति का कैरेक्टर एक किस्म का है, एक संभला हुआ सा, मैच्योर, लविंग, शी इज़ अ टीचर। जुगनू है जो कि उसे पता है कि यार मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए हैं, तो ज़िंदगी में मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, तो अगर मुझे जीना है तो अपने लिए जीना है, और उसके लिए मुझे जो भी करना है अपने आप को बचाने के लिए। रियांश जो है, रियांश कमिटमेंट फोबिक है, दूर भागता है कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। प्यार बहुत है उसके दिल में, पर प्यार को लेकर कमिटमेंट जो एक जिस मुकाम पे जब जहाँ से कमिटमेंट शुरू होती है वहाँ से वो कल्टी मार लेता है। तो दैट वाज मेरे किरदार के बारे में ऑलमोस्ट कुणाल ने सब कुछ बता दिया है। शी इज़ अ वेरी मैच्योर्ड गर्ल, बहुत ही सूझी हुई सी है, उसे पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन हर लाइफ, शी लव्स किड्स। देयर इज़ अ बैक स्टोरी टू व्हाई शी लव्स किड्स ऑफकोर्स, एंड ऐसा किरदार मैंने अभी तक नहीं निभाया है, और फाइनली आई एम गोना ब्रेक माई टॉम बॉयश एंड माई गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज। और एक मैच्योर्ड किरदार निभाने में थोड़ी सी झिझक हो रही थी पहले, पर नाउ दैट वी बीन शूटिंग एंड वी डन लाइक अ कपल ऑफ सीन्स एंड ऑल दैट, तो अभी लग रहा है कि नहीं, वी आर डूइंग जस्टिस टू वट एवर कैरेक्टर और वट एवर सीन्स वी बीन गिवन। अच्छा बेटा, आप तो बहुत अच्छे डांसर भी हो, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी रियलिटी शो में आप लोगों का दिल जीत चुके हो। सीरियल जब कर रहे तो इन दोनों से डांस करवाया कि नहीं? अभी तक तो नहीं करवाया, आगे करवा सकती हूँ। अच्छा, उंगलियों पे नचाएगी हमें। आगे क्योंकि वो प्रोमो में आग लग गई क्लब में, तो वो ऐसी बात नहीं है। रियलिटी शो जो है वो है कि आज की दुनिया में, आप आज की दुनिया में कभी भी आप देखेंगे कॉलेज में सब में, हमेशा एक ऐसा लड़का तो मिला ही होगा जो सब लड़कियों का चाहती है, एंड ऑल द गर्ल्स वॉन्ट हिम। तो एक ऐसा कैरेक्टर है, तो आई एम जस्ट प्लेइंग इट। एंड मेरे को ये एक्चुअली सवाल ठीक से समझ में नहीं आया कि रियलिटी शो की तरह कैसे। हाँ, दिल में तो मैं, दिल में, जिंदगी में, बैंक बैलेंस में, घर में, शादी में, सब जगह आग लगा दूंगा। मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे तब क्या करना है, फिलहाल डिसाइड नहीं किया मैंने। सो व्हाट्स योर प्रायोरिटी व्हेन यू चूज अ स्क्रिप्ट, लाइक बिकॉज़ देयर सो मच कंटेंट ट्रैफिक नाउडेज, सो व्हाट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हेदर इट्स द कैरेक्टर और द प्लॉट? फॉर मी द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज एन एक्टर लाइक आई ऑलवेज से आई एम अ वेरी सेल्फिश एक्टर। मैं देखती हूँ कि मेरा, मुझे उस शो में मेरे पास करने के लिए क्या है, एंड बीइंग अ फेमिनिस्ट आई लव डूइंग स्ट्रांग रोल्स एंड पावरफुल रोल्स। आई डोंट वांट टू बी क्राइंग ऑल डे एंड आस्किंग द हस्बैंड के कितने बजे घर आ रहे हो, आपके लिए खाना तैयार है। आई डोंट वांट टू बी अ टिपिकल डेली सोप बहू और डेली सोप मदर। आई एम गोइंग टू प्ले दिस वेरी प्रैक्टिकली, वेरी नेचुरली, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन गुड कंटेंट एंड अ वेरी 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 पावरफुल रोल जो लोगों को समझ आए और लोग उससे कनेक्ट कर पाए। मेरा सवाल आप दोनों से है कि जिस तरीके से आपने कहा कि आप इंग्रांश का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो किरदार है जो लड़कियों जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आपका एक ये जो किरदार होने वाला है, इमेज ब्रेकिंग किरदार है जिस तरीके से आपने जो किया है, आप दोनों
काफ़ी अलग अलग किरदार कर रहे हो, तो किस तरीके के रेफरेंस आप लोगों ने लिए इस किरदार की एंड क्या क्या तैयारी की है किरदार बदलने के लिए? किस तरीके का रेफरेंस लिया है? जो एक डिमीनर है वो एक्चुअली मैंने बहुत सारे जो जो मैंने जो शोज़ देखता है उनमें हॉलीवुड सबको मिलाकर जैसे थोड़ा बहुत जो फन एलिमेंट है वो फ्रेंड्स की जो ही है और ऐसे कैसे करते 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 मैंने कुछ एक्चुअली अपना ही बनाया है कंकॉक्शन, तो ऐसे कोई मेरे को इसे फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं था कि H2O इज वाटर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं ज़्यादातर जब भी कोई कैरेक्टर लेती हूँ तो मैं रेफरेंसेस बहुत कम देखना पसंद करती हूँ, जो एक्चुअली देखना चाहिए पर मुझे वो समझ नहीं आता। मेरे को लगता है कि जैसे कि कुणाल ने कहा कि अपना ही कैरेक्टर बनाने की कोशिश करती हूँ और दैट गिव्स यू अ डिफरेंट थिंग टू परफॉर्म और आप वो बड़ी नेचुरली आता है और मुझे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं।